हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसे ही सीजीएल सचिवालय का पार्ट 10 सीरीज करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज 10 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट सीरीज एनालिसिस करते रहिए, ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। ठीक है, और इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर कीजिए कि सर ऐसा यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आप ही दो इसको, अच्छा है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछता हूँ, जो कि कमेंट से रिप्लाई करना होता है। देखिए, तो झारखंड के किस संथाली साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए श्याम बेसरा, ऑप्शन बी लक्ष्मण चंद सोरेन, ऑप्शन सी जोबा मुर्मू, ऑप्शन डी मुकुंद नायक। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का दो लोगों ने सही किए हैं, जिनका नाम है नंदकिशोर सिंह एंड राधा सिंह। ठीक है, उनको इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम लोग शुरू स्टार्ट करते हैं सीरीज को, 10 सेट मैंने 10 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेएनयू के 23 तीर्थकर कौन थे जिसका निर्वाण 717 ईस्वी पूर्व हुआ था? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभनाथ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी शीतलनाथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। नेक्स्ट, छोटा नागपुर का मानभूम किस सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन। थर्ड नंबर देखिए, झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3,29,88,147। ठीक है, फिर बी ऑप्शन 3,29,89,143, ऑप्शन सी 3,29,00,000, ठीक है 88,134। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 3,29,88,134। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? ऑप्शन ए त्रिकोणीय, ऑप्शन बी चतुर्भुजाकार, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्भुजाकार। फाइव नंबर, जैक का कार्यकाल जेएससी, ठीक है, कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया? ऑप्शन 7 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7 बार बढ़ाया गया है जैक का कार्यकाल। सिक्स नंबर, झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, मैंने कि क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से पहला ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन कोल्हान प्रमंडल, ऑप्शन बी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ऑप्शन सी दक्षिण छोटा नागपुर, ठीक है, ऑप्शन डी पलामू प्रमंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसमें कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा 7 जिला का नाम। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के सबसे बड़े प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 5 जिले, ऑप्शन बी 7 जिले, ऑप्शन सी 50 जिले, ऑप्शन डी 9 जिले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 8 नंबर, मुकुंद नायक को पद्म श्री सम्मान किस वर्ष मिला? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर का 2017 मिला है। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, 9 नंबर, देश का कुल कितना प्रतिशत कोयला झारखंड में उत्पादन होता है? ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 43%, ऑप्शन डी 53%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 33%। चलिए, पुराने किले का निर्माण किस चेरवंशी शासक ने कराया था? ऑप्शन ए मेदिनी राय, ऑप्शन बी प्रताप राय, ऑप्शन सी सोबल राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपके लिए 5 सेकंड टाइम देते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप राय, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चेरवंशी शासक प्रताप राय किस मुगल बादशाह के समकालीन था?
ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको फाइव सेकंड टाइम देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रताप राय जो थे कि वो पुराने किले का निर्माण किया था वो किसके समकालीन थे, प्रताप राय शाहजहां के समकालीन थे। 12 नंबर, वो कौन सी जनजाति है सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी महली, ऑप्शन डी कोरवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडा जनजाति सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है। 13 नंबर, बोकारो इस्पात कारखाने को लो ऐसा की पूर्ति कहां से होती है, ऑप्शन ए चिरैया माइंस, ठीक है ऑप्शन बी क्योंझोर, ठीक है ऑप्शन डी तेलदी, ऑप्शन डी पाथर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्योंझार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्योंझार किस राज्य में स्थित है जो लौह अयस्क की आपूर्ति करती है, ऑप्शन ए झारखंड, ठीक है ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत काल में छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा जाता था, ऑप्शन ए पुंडरिक, ऑप्शन बी मुरंडेश, ऑप्शन सी कुकरलाट, ऑप्शन डी कुनासुफालाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा पुंडरिक। क्वेश्चन 16, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात संथाल परगना काश्तकारी ने पूरक प्रावधान अधिनियम कब बना था, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1949। किसके नेतृत्व में संथाल परगना में महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी, ऑप्शन ए राजेश्वरी देवी, ऑप्शन बी परमिला देवी, ऑप्शन ए सेलबाला राय, ऑप्शन डी अनुराधा राय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलबाला राय। क्वेश्चन 18, चेरो राजा भागवत राय ने किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर का अकबर। चेरो राजा भागवत राय ने किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट, चेरो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ऑप्शन ए भूलन सिंह, ऑप्शन डी भूकन सिंह, ऑप्शन सी फुलन सिंह, ऑप्शन डी सुखदेव सिंह। राइट आंसर हो जाएगा भूकन सिंह हो जाएगा, चेरो आंदोलन ने तो किसने किया था भूकन सिंह। 20 नंबर, पुरलिया के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर जी एन ऑक्स ने किस राजा से मदद मांगी, ऑप्शन ए नीलमलिन सिंह, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी विक्रम सिंह, ऑप्शन डी विश्वनाथ सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर का नीलमलिन सिंह, नीलमलिन सिंह। 21 नंबर, किसके सेल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है, ऑप्शन ए इसको, ऑप्शन बी सीतागढ़ पहाड़, ऑप्शन सी भुवनाथपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको। 22 नंबर, 22 नंबर ही नहीं, झारखंड देश की कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, ऑप्शन ए 2.95%, ऑप्शन बी 2.42%, ऑप्शन सी 3.01%, ऑप्शन डी 3.42%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर का 2.42%। एक बार एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा कि झारखंड देश के कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत बोलेगा, क्या होगा 2.72% होगा, लेकिन झारखंड देश के कुल क्षेत्रफल पूछेगा कितना प्रतिशत है, क्या हो जाएगा भारत का 2.42% हो जाएगा। 23 नंबर, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी चतरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। एक चीज क्वेश्चन और बताना चाहूंगा यहाँ पर, बोलेगा झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा होगा, तो क्या होगा पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा चतरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, राज्य के विकास विकसित होने के लिए कौन से क्षेत्र का विकास सबसे बड़ा जरूरी है, ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर तृतीयक।
25 नंबर, देश का कितना प्रतिशत खनिज उत्पादन अकेले झारखंड में होता है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 40%। देश का 40% खनिज उत्पादन अकेले झारखंड में उत्पादन होता है। 26 नंबर, भाई बहन से पवित्र प्रेम से संबंधित कौन सा लोकनाट्य है? ऑप्शन ए सामा नकुबी, ऑप्शन बी सामा चचकीवा, ऑप्शन सी जजटिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सामा चकेवा। कौन सा लोकनाट्य को पुरुष को देखने से मना है और मुख्यतः स्त्रियों के लिए है? ऑप्शन ए डोमकच, ऑप्शन बी कृतनिया, ऑप्शन सी सामा चकेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोमकच, जो कि विवाह के मैंने कि आपको बोल सकते हैं विवाह के अवसर पर, मैंने कि एक तरीके की डोमकच जो होता है लोकनाट्य भी है, लोकगीत भी है, मतलब बहुत सारा है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो इस केस में यहाँ इस केस में बताना चाहूंगा कि लोकनाट्य में पुरुष को देखने से मना है, जब जब महिलाएं या स्त्रियां जब डोमकच करती है तो वहां पर पुरुष को देखने से मना किया जाता है वो चीज, ठीक है। देखिए 28 नंबर, मेलोडी क्या है? एक नाट्य संस्था है, एक गाना है, एक खाद्य सामग्री है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, एक नाट्य संस्था है। 29 नंबर, संथाल परगना में 28 अगस्त 1942 को किस महिला को ब्रिटिश पुलिस गश्ती दल ने गोली से उड़ा दिया था, नहीं मार दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए बिली को, ऑप्शन बी बिरजी को, ऑप्शन सी जगमतिया को, ऑप्शन डी कौशल्या को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिरजी देवी को। संथाल परगना में 28 अगस्त 1942 को बिजी देवी को ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार दी थी। नेक्स्ट 30 नंबर, हाल में ही केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा गोल मतलब कि गोइंग ऑनलाइन एस लीडर्स का कार्यक्रम की शुरुआत की, ठीक है, किसके साथ साझेदारी में जारी की गई है, ठीक है। ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी फेसबुक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर का फेसबुक, ठीक है। आप लोग का सीरीज यहाँ पर 10 कैसे 10 यहाँ पर झारखंड खत्म होता है, अब चलता है क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। अनुसूचित जनजाति 31 नंबर जो होता है आपको कमेंट में रिप्लाई करना होगा, ठीक है। इसको अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? ऑप्शन ए बना गुप्ता, ऑप्शन चंपा सुरन, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी रामेश्वर उरन, ठीक है। इसका जो आंसर आपको रिप्लाई सेशन में करना है, मैंने कमेंट सेशन में रिप्लाई करना है, ठीक है, कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, या नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसका आंसर यहाँ मैच कर सकते हैं, जाए 1 से 30 क्वेश्चन होता है, आप मैंने मैच कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, ठीक है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ इजीली ज्वाइन होकर आप वहाँ का मैंने कि टेलीग्राम चैनल का फायदा उठा सकते हैं। वहाँ पर जितना सारा पीडीएफ सबको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लस में जितना भी पहले वीडियो अपलोड हो जाएगा उसका पीडीएफ अपलोड हुआ है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और एक चीज और कि यहाँ पर हम लोग क्यूज कराते हैं, हर डेली क्यूज होता है, झारखंड जीके का, झारखंड जीके का हो, साइंस का होगा, या ऑल इंडिया जीके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम डेली क्यूज कराते हैं, आप क्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है, और एनालिसिस कीजिए वहाँ पर मेरा कितना सक्षम है। यहाँ पर मैं जो चल रहा हूँ साइंस जैसे चल रहा है, पर झारखंड जीके चल रहा है, बाकी वहाँ पर भी हम लोग कराते चलते हैं, तो उसको भी ध्यान दीजिए, क्यूज कीजिए लीजिए, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट करिए किस तरह का वीडियो लगा हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन लेवल है, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।